ये ट्राली है जिसको कवर किया गया है, इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ कुछ महिला किसान हैं जो पंजाब के अलग अलग जिलों से आई हैं। किसी ने अपने घर के पीछे बेटे और बेटी को छोड़ा है, किसी ने पड़ोसी को चाबी दी है। इन महिलाओं का ये कहना है कि हम आज नहीं भी आते तो इस आंदोलन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हर आंदोलन में महिलाएं आगे रही हैं, ये हमारा इतिहास रहा है। और ये किसान आंदोलन एक अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन है और इसमें भागीदारी अगर नहीं लेते तो शायद हमारे मन को सुकून नहीं मिलता। और इसके साथ ही ये खुद महिला किसान हैं और जो खुद पंजाब में काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करती हैं, तो किसी ने अपने पति को जो है घर थमा करके उनको यहाँ पे बच्चे के साथ में आई हैं, कोई अपने पड़ोसी को जो है चाबी दे के आया है। तो ये महिलाएं तब तक यहीं पे रहेंगी, चाहे कल जब पत्थरबाजी हो रही थी यहाँ पे, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पर इन महिलाओं का कहना है कि इनको डर इस चीज़ का नहीं है कि हमें मुश्किलात क्या आएंगे, लेकिन हम तभी वापस जाएंगे जब तक ये जंग जीत नहीं ली जाती है, तभी तक ये सड़क इनका घर है, ये ट्रॉली इनका कमरा है, ये आशियाना है, और ये वापस तभी होंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जा सकती। मैम ये बताइए कि जो किसान आंदोलन है, ये जो काले कानून जिसकी बात कर रहे हैं, आपको हटाने की बात कर रहे हैं, इनको कितना प्रभावित कर रहे हैं, कैसे ये आपके पूरे परिवार को ये प्रभावित करेंगे? हाँ जी, ये आर्थिक पक्षों सानू बहुत कमज़ोर करूँगा जे जड़ा ये हो गया आर्डिनेंस पास हो गए, ये असी चाहते हैं कि वापस ले जान, इस करके अं सारे इतने आए हैं, तो उन्नी देर अं वापस नहीं जावे जिनी देर तक ये वापस नहीं होंगे। तो आप इस आंदोलन में हैं पिछले 3-4 दिन से, मुझे लगता है कि आप लोग, चूँकि हर जगह रोका जा रहा था, अभी किन किन तैयारियों के साथ में है, कितना संघर्ष आपको लगता है, कितना और संघर्ष करना पड़ेगा? असी पिछों भी बहुत दिक्कतों का सामना करके इतने पहुँचे हाँ, तो बाकी अं सारा अपना समान लैके आए हाँ, कोई भी जिहड़ी भी मुश्किल होगी वह सामना करांगे, तो उन्नी देर तक वापस नहीं जावांगे जिनी देर तक ये जिहड़े वापस नहीं लेंदे, रद्द नहीं होंदे कानून। तो आपके साथ आपके घर के लोग भी आए हैं या आप जो है किसी पुरुष घर पर हैं? घर कौन संभाल रहा है अभी? असी घर दे सारे रोक आए हैं, घर छड़ के आए किसी ने। जहाँ पर आने वाला कोई भी साधारण किसान, चाहे वो किसान यूनियन का आगू है, कोई लीडर है, चाहे आम साधारण किसान है, उसे सब पता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ इस तीन बिलों को वापस करने के लिए अगर घर से निकले हैं तो हमें तो ये लाठी और ये चीज़ों का तो सामना करना पड़ेगा, और कुदरत का भी, जो भी रात का ठंड का सब सामना करना पड़ेगा। पर माहौल जो है, सरकार जिस तरीके से यहाँ पर माहौल क्रिएट किया है सरकार ने, कल जिस तरह से लाठी चार्ज और आंसू गैस वगैरह ये जो चलाए हैं, इससे तो सरकार के तरफ से लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारा देश नहीं है, ये हमारी सरकार नहीं है, या कैसे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा क्या कि यहाँ तक कि कई जगहों में हम रास्ते में भी देखा है कि रोड माने को तोड़ दिया गया है, बोल्डर्स वगैरह लगाए गए हैं रास्ते में, तो ये क्या है, ये क्यों कर रही है सरकार? बात करें, किसान जब कह रहे हैं, कोई भी, इन्होंने जब आर्डिनेंस ले आया, आर्डिनेंस कब ले आया जाता है? जब सेशन नहीं बैठता है, सेशन नहीं बैठा और जब आर्डिनेंस आ गया है, उसे सेशन में पास करा के आपने कानून बना दिया, तो कोई किसानों का कानून, किसानी के साथ जुड़ा कानून किससे आपने वो राय ली? किसानों से तो पूछा नहीं गया कि आपके हक में है जय, आप किसानों से ज़्यादा कौन बता सकता है? मोदी बता सकता है कि किसान कैसे के लोगों के हक में है। सो ये सारी बातें जो हैं, ये बहुत कुछ देखने को हमें मिला, बहुत संघर्ष जो कल हम किया गया है वो बहुत गलत बात है। सरकार को तो चाहिए था कि आज से कुछ समय पहले ही, जब ट्रैक में हम लोग बैठे हैं, तभी सरकार बात करते। सरकार ये कैसे कह रही, किसान कहे ना कि बिल हमारे हक में है तो माने जा सकती, सरकार कौन होती है ये कहने वाली? हम नहीं मानते, हम किसान ये बस इस बात को नहीं मानते। तो जैसे कि ये रास्ता रुक रहा है,
और किसान पहले कह रहे थे कि वो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अब यह है कि हम दिल्ली को बंद कर देंगे, सप्लाई बंद कर देंगे, इसमें आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। सरकार झुक नहीं रही है, आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, पर जो आम लोग हैं, जो जिनका जो यहाँ का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उनको कैसे, उनके लिए क्या कुछ कोई सेकेंड प्लान है क्या? देखिए हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो आम लोगों को परेशानी होती है। हमारा ये शुरू से प्लान रहा है, जब भी हम यहाँ दिल्ली चलो का जो नारा दिया है हमने, कि हम दिल्ली जाएंगे, अगर दिल्ली सरकार हमें दिल्ली में एंटर करने नहीं देगी तो दिल्ली के जो जितने भी रास्ते हैं हम उस पर धरना लगा के बैठ जाएंगे, तब तक बैठेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, ये तीनों बिल को पास, कानून जो बना है इसको वापस नहीं लेती। हाँ, हम समझते हैं, मानते हैं, किसान भी ये जानता है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आज किसानी पे हमला है, किसान अपने मांगों को लेके, किसानी ख़त्म हो रही है उसके लिए सड़कों पर है। ये आम लोग भी हिंदुस्तानी हैं, अलग अलग वर्ग से हैं, हमला हर वर्ग पे हो रहा है। आज अगर लोग, आम लोग जो बाकी समाज के लोग हैं, उनको भी हम अपील करेंगे कि आप भी आइए, क्योंकि हाँ मुश्किलें हैं, कोई निजी काम के लिए कहीं जा रहा, कुछ जा रहा, ये समस्या, पर ये जो अवस्था बन गई है अवस्था, इसके लिए इसके अलावा हो और कोई चारा नहीं है। सरकार को चाहिए कि हमारी मांगे मान के रास्ते को हम खोल देंगे, लोगों की आवाजाही शुरू हो जाए। जी मैम, आप बताइएगा कि जब कल ये बात बिगड़ी, उसके बाद कुछ तो डर लगा होगा कि अब मतलब आगे कुछ भी हो सकता है। वेखो जी, सब तो पहला तो जदों ये सारा कुछ वापरिया, असी आके चुपचाप रा वास्ते बोले कि राह दो, है ना, सानू रस्ता देना चाहिए सी, उन्हें रस्ता नहीं दिता। जदों के किसान जथिया वालों जिन्निया भी जथेबंदियां सी, जिन्ने किसान आगू उत्थे गए सी, औरतां सी विच सी, असी कोई भी इदां दी हरकत नहीं सी कीती कि जिहदे नाल ये जिहड़े हालात विगड़दे। उधरों ही साढ़े ते जिहड़े आ उह गोले सुट्टे गए, पानी दीआं बछाड़ां सुट्टियां गईआं। जदों कि असी चले हाँ, जदों दे असी चले होए 25 तरीक दे रस्ते दे विच आउंदे आ, शंभू बार्डर तों लै के, शंभू बार्डर तों पहलां वी असी जदों पानीपत क्रॉस कीता, उत्थे वी साढ़े नाल अंबाले वी इदां होया, पानीपत वी इदां होया, उहदे तों बाद करनाल वी इदां होया, उस तों बाद शंभू बार्डर ते वी इदां होया। जदों कि सानूं हरियाणा जिहड़े साढ़े किसान भरा सी उहनां ने साडी बहुत मुझे 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 एक चीज़ समझनी है सर, कि जैसे इतने सारे किसान आए हैं तो उसमें अगर कुछ महिलाएं घर पे ही रहती, नहीं आती, तब भी आंदोलन का यही स्वरूप रहता। आपने क्या क्या आपके मन में था कि आपको नहीं, आप महिलाओं को भी जाना है, जबकि रास्ते में कोई भी दिक्कत आ सकती है? असी इस करके आई हैं कि असी औरतां हर जंग दे मैदान में अगे जा सकते हैं। हाँ, हमें औरतों को कभी भी कहाँ भी कोई भी जंग का मैदान हो, हम आगे आना चाहती हैं, क्योंकि हम औरतें लड़ाई कर सकते हैं, हम औरतें अपना अधिकार जो है वो पाने के लिए आगे आ सकती हैं। जे हमें अंदर से हमारा जो अपना दिल है, जो हमारा अपना जज्बा है, वो कहता है कि हमें इस जंग के मैदान में जाना है, हमें अपनी किसानी बचाने के लिए वहाँ पहुँचना है। तो घर में जो थे, बुजुर्ग थे या बच्चे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रोका नहीं कि हम तो जा ही रहे हैं, आपके जाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। मेरे पति जो आ उन्होंने सानू, जो मेरे पति हैं, वो बोले कि आप जाओ, और मेरा बेटा भी साथ में आया है, तो मैं अपने साधन भी साथ में लेके आई। आपके पति घर पे हैं? हाँ, मेरे पति हैं, वो जॉब करते हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं, वो नहीं आ सकते, क्योंकि जहाँ आने पे कोई कुछ भी कह सकता है तो वो भी किसान, लेकिन कोई इस बात पे किंतु परंतु करे, इसलिए हम जो है, मैं और मेरा बेटा आए हुए हैं। तो मतलब उनको शामिल होना था कि किसानों के साथ में हैं, तो अगर खुद नहीं आ सकते तो उन्हें परिवार के अपनी आपको भेजा है। सभी वर्ग है ना, जो गांव के लोग हैं, सभी दुखी हैं इस बात से। कोई भी है, जैसे कि मान लो आज तो किसान दुखी है, ठीक है ना, किसान को जो बात बोल दी कि जे आर्डिनेंस आपके जो है बचाव के लिए है, लेकिन किसान बोल रहा है कि मेरे बचाव के लिए नहीं है। ऐसे जे जो कारपोर्ट कराने हैं वो आगे की तरह भी जा रहे हैं, जैसे कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है कि उन्हें कभी भी वो बिना बोले जो निकाल सकते हैं, जबकि पहले वो 8 घंटे के लिए काम करते थे, अब उन्हें बोला गया कि वो 12 घंटे के लिए काम लेंगे। तो ये बताइए, घर पे आप लोग सब लोग बाहर हैं, घर कौन संभाल रहा है? कोई भी नहीं है घर में, किसी घर में किसी की सास है, किसी का देवर है, किसी का जेठ है, किसी की देवरानी है, किसी ने किसी को, पड़ोसी को अपने घर की चाबी दी हुई है कि मेरे घर का ख्याल रखना।
सभी जो है जो गांव के लोग हैं ना उनमें इतना प्यार है कि एक जा रहा है तो दूसरा बोलता है आप जाओ मैं आपके जो पशु होते हैं दूध देने वाले पशु होते हैं जो उनके जो पट्ठों वगैरह का वो आस पड़ोस के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। आप किस गांव से हैं? मैं बाबा कला तहसील में गांव है बुटारी। किस जिले में पड़ता है? अमृतसर जिले में। मेरा नाम बलजिंदर है। आप कहाँ से आए? गाँव बुटारी से। ये मुझे बताइए जब आप आ रहे थे आपने बताया कि पड़ोसी को चाबी दे के आए, आप नहीं भी आते तब भी आंदोलन का स्वरूप तो यही रहता है? आंदोलन का स्वरूप तो यही रहता लेकिन मेरे अपने मन को सेटिस्फाई नहीं था। मैं आप सो इस चीज़ के लिए बहुत एग्री थी कि मैं इस टेस्ट में जाऊं और अपना योगदान पाऊं। तो अब आपका आगे का क्या है? घर कौन देख रहा है? वो पड़ोसी उसकी देखभाल कर रहे हैं? जी पड़ोसी कर रहे हैं। वो आगे का ये है कि जब तक ये टेस्ट ख़त्म नहीं होता हम यहीं पर रहेंगे, उसके लिए जो जितना भी समय लग जाए हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको डर नहीं लगता है कि ये नहीं? कोई डर नहीं लगता। कोले चल रहे थे नहीं? कल जब कोले चल रहे थे हम बीच में ही थे, कोई डर नहीं लगता। मेरा बेटा भी मेरे साथ आया हुआ है वो भी बीच में ही था, हमें कोई डर नहीं लगता। हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अपने हक लेके रहेंगे। कब तक? कितना टाइम लगेगा? कितने दिन के लिए आप आए? दिन के लिए नहीं है, महीने के लिए, सालों के लिए, जितने दिन महीने साल बैठना पड़े हम बैठेंगे। जब तक यहाँ पे किसान रहेंगे? हाँ बिल्कुल बैठेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है घर जाने की और ना ही हमें कोई मुश्किल है, हम जहाँ से जीत कर वापस जाएंगे। औरतों का इस आंदोलन में हिस्सा लेना अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए आज ये अवस्था बन गई है समाज में कि हर संघर्ष में हर आंदोलन में सरकारों के खिलाफ औरतों का भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी आबादी हैं पूरे समाज की हम औरतें, लेकिन आज अभी घरों में बैठी हैं आधी शक्ति कहा जाए तो। आज ये किसान हमारे भाई जो हैं उनकी ये ज़रूरत बन गई है, चाहिए भी उनको कि आधी शक्ति जो घरों में बैठी हैं उन्हें भी प्रेरित करके इस जंग के मैदान में लेके आए। पंजाब में महिलाएं भी तो खेत में काम करती हैं, खुद महिला किसान है, बराबर महिला किसान है खेत में। कई हमारे मालवा जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास की खेती होती है, जहाँ पर आदमियों से ज़्यादा औरतें में वहाँ पर खेती करती हैं। तो पूरा पंजाब जो खेती प्रधान प्रदेश है यहाँ पर औरतों की बराबर की भागीदारी है, पशुपालन हुआ, खेती हुआ, हर इसमें व्यवसाय में औरतें हैं। पर आज वो जब किसान औरतें भी हैं, अगर किसान का जा रहा है ये हाथ से खेती छूट रही है तो साथ में औरतों का भी रोजगार जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।